महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा हो गया है। भारी बारिश के बीच लोगों की लगातार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत इंदिरा निवास ढह गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। शाहबाज गांव में हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। नगरपालिका आयुक्त नवी मुंबई कैलाश शिंदे ने घटना को लेकर जानकारी दी है कि करीब आज सुबह 5 बजे के पहले ये इमारत ढह गई। ये G+3 की इमारत है, सेक्टर 19 शहबाज गांव में है। इस 3 मंजिला इमारत से 52 लोग सुरक्षित बाहर निकले और मलबे में फंसे 2 लोगों को बचाया गया है और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। हालांकि अभी भी 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 5 बजे के पहले ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई। ये G+3 की बिल्डिंग है, सेक्टर 19 और शाहबाज करके विलेज है, ये बेलापुर वार्ड में आती है। यहाँ करीबन 3 माले या 4 माले की बिल्डिंग यहाँ खड़ी थी, उसमें करीबन 3 शॉप्स थे और 13 आपके फ्लैट थे, तो उसी में करीबन आजकल 39 लोग और 13 बच्चे, ऐसे कुल मिला के 52 पीपल बाहर निकल रहे हैं। 2 लोग रेस्क्यू किए थे जो ट्रैप हुए थे, और भी 2 लोगों की आशंका है कि वो ट्रैप हुए होंगे। तो एनडीआरएफ की टीम है, हमारी एनएमएमसी की टीम पे भी साइट पे है, मैं भी साइट पे आया था 6 बजे मुझे पता चलने के बाद, और हमारी रेस्क्यू वर्क चालू है अभी, जो आपको आगे बता जाएगा। और जो लोग रेस्क्यू किए उनको हमने अपने इस पे रेस्क्यू शेल्टर में भेज दिया है, वो फैमिलीज को, और 2 जो एडमिट हुए वो भी हॉस्पिटल में, दे आर ऑल्सो स्टेबल। ये 10 साल ही पुरानी लगती है, अभी तो बिल्डिंग क्यों कोलैप्स हुई 10 साल में उसका हम ये करेंगे, छानबीन करेंगे, उसकी इंक्वायरी होगी और जो किसकी बिल्डिंग होगी तो उसको कोई उसके ऊपर कार्रवाई भी कर देंगे।